नमस्कार, मैं आपके साथ सोनी कपूर। आप देख रहे हैं इंडिया वॉच का खास शो ओपन माइक। आप जब हम नए मुद्दे के साथ फिर आपसे हाजिर हो चुके हैं। जी हाँ, बात करी जाती है, सरकार बदल जाती है, बात करी जाती है कानून व्यवस्था में सुधार होगा। जिस तरह से लखनऊ की कानून व्यवस्था में किस तरह से सुधार होगा और क्या चल रहा है कानून व्यवस्था में, लगातार अभी भी पुलिस प्रशासन जो है वो सवालों के घेरे में है। जिस तरह से बात करी जाए कानून व्यवस्था पे, तो एकदम खत्म हो चुकी है। लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरह से लखनऊ एसएसपी की बात करी जाए तो वो अपने कार्यकाल में फेल नजर आते हैं। यही बात जानने के लिए जनता के बीच में आ चुके हैं। जी, कानून व्यवस्था बिल्कुल पूरे उत्तर प्रदेश में ध्वस्त है। अभी हमारे जनपद बलरामपुर में 3-3 मर्डर हुआ और उसमें पुलिस ने फर्जी लोगों को मुलजिम बना के भेज दिया और कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। पुलिस ऐसा क्यों करती है कि फर्जी मुकदमे लगाने का काम क्यों करती है? सिर्फ फर्जी मुकदमे इसलिए लगाती है कि जब वो क्या नाम मुलजिम नहीं ढूंढ पाते हैं पुलिस, तो खाना पूर्ति करने के लिए पुलिस ऐसा करती है। बेगुनाहों को उठा लेती है। जी, बेगुनाहों को उठा लेती है और पुलिस सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में अपराधियों को नहीं ढूंढती। बीजेपी के इशारों पे ये हो रहा है। अभी बलरामपुर में एक व्यापारी के बेटे का अपहरण हुआ है। अपहरण करने वाला भी वही पुलिस और पकड़ने वाला भी वही पुलिस, तो क्या क्या जाए। तो प्रशासन की सरकार आई थी तो कहा गया था कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, उनको बख्शा नहीं जाएगा। अगर वो या तो भाग जाएंगे उत्तर प्रदेश यूपी छोड़ के, या वो नजर नहीं आएंगे। तो क्या बदलाव हुआ? जरा सा भी बदलाव नहीं, बल्कि और बिल्कुल अराजकता फैल गई है उत्तर प्रदेश में। बढ़ गए कि घट गए? बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। नोटबंदी का जो ये बता रहे थे मोदी जी की असर होगा, वो माफिया खत्म हो जाएंगे, वो तो दुगना दुगना हो गए। देखिए, ऐसा कानून व्यवस्था से यही है कि अभी लखनऊ जो राजधानी है उत्तर प्रदेश का, लखनऊ राजधानी में एक पोस्ट एरिया में जो है पुलिस सब इंस्पेक्टर और कॉन्स्टेबल ने एक व्यापारी के घर में घुसकर और लूट किया। आज तो अखिलेश यादव जी ने भी कह दिया डीजीपी को तत्काल हटा देना चाहिए। देखिए, ये डीजीपी ये जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार के सेवक हैं और इनको तत्काल हटाना चाहिए। सरकार आती है, अपने दावे करती है, बड़े बड़े दावे करके जाती है कि कानून व्यवस्था में सुधार होगा, लेकिन सरकार जब आई थी तो ये बड़ा दावा किया गया था कि जिस तरह से योगी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं बख्शा जाएगा, कानून में बहुत सुधार होगा। जनता में अराजकता है कि भय का माहौल है, लूट। अभी लखनऊ में कल पुलिस वाले डकैत बन गए जमीन पर। राजभवन के सामने जो लूट हुई थी उसका मामला अभी तक नहीं सॉल्व हुआ है। तो ये सरकार एकदम अपराध के आंकड़े नंबर वन पे चल रहे हैं, फेल नजर आ रही है पूरी तरह। फेल, हत्या, बलात्कार, सब दिन दुनी रात चौगनी बढ़ रही है। डीजीपी को हटाया जाए। डीजीपी को हटाने से क्या होगा, सुधार हो जाएगा? बिल्कुल सुधार होगा। नहीं सुधार पा रहे लखनऊ एसएसपी, डीजीपी हटेंगे जिससे निष्पक्ष चुनाव हो। जब पुलिस ही डकैती करने लगी, पुलिस ही लूट करने लगी, तो सबसे पहले तो डीजीपी को हटाना चाहिए। जैसे हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव ने कहा, उनके कहने पे बिल्कुल हम उनके साथ हैं, उनका समर्थन करते हैं इस बातों का कि हाँ, इनको डीजीपी को हटाना चाहिए। इससे कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है और चौपट है, फेल होती जा रही है। जी, बिल्कुल फेल है, बिल्कुल सुरक्षित नहीं, कोई सुरक्षित नहीं है, कोई नहीं सुरक्षित है। व्यापारियों को अभी लूटा गया है। वो कहावत कही गई है ना, चौपट बलरामपुर में, अभी हमारे जनपद बलरामपुर चौपट नगरी अंधेर राजा, वही वाला हिसाब किताब इस सरकार ने बना दिया है। कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है, चौपट है। समझ में आ रहा है कि सुनने में आ रहा है, कुछ कई दिनों से सुनने में आ रहा है कि जो उल्टे केसेस है वो बेगुनाहों को फंसा दे रही है। माननीय पूर्व विधायक जी, आप दीजिए जवाब। ऐसा है, अभी जनपद बलरामपुर में भी परसों एक दवा व्यापारी को अगवा कर लिए बदमाश ने, और अगवा करने के बाद में उसको बलरामपुर में 3-3 डकैती भाई 4 दिन के बाद, 6-1.5 हफ्ता के पहले हुआ, उसमें फर्जी लोग को फंसाया गया। आज बेगुनाह समाजवादी कार्यकर्ता हो और कोई रैली निकाल दे तो उसके ऊपर फर्जी मुकदमा लेकर और जेल भेजने का लाठी चार्ज हो जाते हैं। लाठी भी चार्ज होता है, फर्जी मुकदमे में उसे अंदर कर दिया जाता है। हाँ, ये मौजूदा सांसद विधायक वहाँ के, वो देखते हैं इन चीजों को, देखते हैं कि कौन है क्या है, किसका नाम लिखो और नाम लिख पे उस पर कार्रवाई करवाते हैं। भी हो रहा है कि कौन किस पार्टी से उस पे जल्दी कार्रवाई। जी, सत्ता पक्ष की बिल्कुल पूरा हनन कर रहा है इस समय भारतीय जनता पार्टी। चरम पे सत्ता का लाभ ले रही है और सत्ता के लाभ में अनेकों दल के कार्यकर्ताओं को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। तो क्या
आपको लग रहा है कि इसमें और सुधार की बहुत ज्यादा जरूरत है? जल्द ही परिवर्तन होगा। कैसा परिवर्तन? जैसे आज अखिलेश यादव जी ने कहा सरकार बदलो, परिवर्तन होगा। जल्द सरकार बदलने से परिवर्तन होगा? बिल्कुल परिवर्तन होगा। सरकार तो आती है, बड़े बड़े दावे करके चली जाती है और नहीं भी जीत पाती है। सरकार फिर आएगी। जिस प्रकार से हमने आदरणीय अखिलेश यादव ने जो काम किया है, हम काम के नाम पे आधार पे लड़ेंगे और भाजपा को जड़ से खत्म कर देंगे। वो एक समय था कि जब सत्ता आती थी, सत्ता चली जाती थी, उस समय कानून व्यवस्था में सुधार होता था और दावे करती है सरकार आने के बाद कानून व्यवस्था सुधार होगा। जिस तरह से आज अखिलेश यादव जी ने कहा है कि तत्काल ओपी सिंह जी डीजीपी को हटा देना चाहिए, क्या उससे कानून व्यवस्था में सुधार होगा? हाँ, ठीक कहा था। उनके हटा देने पर कानून व्यवस्था का सुधार होगा और चुनाव निष्पक्ष होगा। आज जिस तरह से उनकी पुलिस धाका डाली है व्यापारी के घर, मामूली बात है। इस सरकार भारतीय जनता पार्टी नारे लगाती है कि अपराध मुक्त पार्टी, अपराध मुक्त होगा। नहीं, कभी नहीं हो सकता। इसके लोग स्वयं अपराधी हैं। यह दल अपराधियों के द्वारा बना था। अटल बिहारी वाजपेयी का जमाना चला गया, उस समय भारतीय जनता पार्टी ठीक थी, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी केंद्र प्रदेश में आई है, इस देश में घुसखोरी, आज कोई भी काम बिना जो है घुस का कार्यालयों में नहीं हो रहा है। ऐसा चल रहा है क्या? करप्शन चल रहा है। इनके जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे पुलिस विभाग का हो, चाहे राजस्व विभाग का हो, सब में पैसा, बंदूक का। मुख्यमंत्री जी ने जब कार्यकाल संभाला था, उस समय दावा किया था कि कानून व्यवस्था स्ट्रॉन्ग होगी और जिस तरह से बात करी जाए तो अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, यूपी छोड़ के चले जाएंगे। क्या यूपी छोड़ के गए? क्या कानून व्यवस्था में सुधार हुआ? कानून व्यवस्था जो है वो हमेशा सवालों के घेरे में रहती है। जिस तरह से यूपी में कानून व्यवस्था देख लीजिए, एकदम ध्वस्त हो चुकी है। एक उदाहरण नहीं, कई उदाहरण है। जिस तरह से अभी लखनऊ में जल्दी में डकैती हुई थी आलमबाग में, उसी तरह से जिस तरह से विधानसभा के सामने दिन दिहाड़े पैसा लूट लिया गया, तो ये कहीं नहीं, बहुत सारे उदाहरण हैं। जिस तरह से पुलिस आज भी खाली हाथ है, पुलिस प्रशासन जो है वो आज भी सुधरने के और सुरक्षित होने के बड़े बड़े दावे कर रही है, पर असुरक्षित महसूस होती है आम जनता में, यही जानने के लिए जनता के बीच में आ गए हैं। कैसी चल रही है कानून व्यवस्था? पूरी ध्वस्त कर दी है बीजेपी ने, पूरा लूट घसोट मचा लिया है, पूरा देश जो है बेच दिया है, 50,000 करोड़ से ज़्यादा नुकसान कर दिया है, विदेश भागे हैं डायरेक्ट मनी का, और 41,000 करोड़ रिलायंस का माफ़ कर दिया है, जो किसानों का माफ़ करना चाहिए था, किसानों को माफ़ कर दिया है। कानून व्यवस्था, ये देखो, आए दिन व्यापारियों के साथ लूट हो रही है, चपेट हो रही है, सड़क आमतौर पे जनता के सामने गोली मार के भाग जाते हैं, क्या उसमें पुलिस अभी भी शांत है? पुलिस शांत नहीं है, पुलिस खाली हाथ इंक्लूड है, पुलिस इंक्लूड है। यहाँ के डीजीपी को हटाना चाहिए, और पुलिस आजकल रक्षक नहीं, चोर बन गई है। वो जहाँ थाने में जो होता है वो अभिभावक होता है पुलिस का, लेकिन वो जो एसएसपी हैं वो खुद अपराधियों का साथ दे रहे हैं और बेगुनाहों पे मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। बेगुनाहों पे मुकदमा जो दर्ज करवाने जाता है, मुकदमा कोई कंप्लेन करने जाता है, कोई इन्फॉर्मेशन देना है, उसी को घसीट के उसी को फंसा देते हैं लोग। और जहाँ चोरी हो रही है, पुलिस उनमें इन्वॉल्व हो रही है, डीजीपी यहाँ के मुख्यमंत्री को चाहिए कि वो डीजीपी को एक्शन लेकर के उसे हटाएं और कोई फ्रेश और नया लाएं, क्योंकि लोकसभा चुनाव आने वाला है, उसका बहुत प्रभाव जाने वाला है, इसलिए डीजीपी को यहाँ से जस्ट हटाना चाहिए। लगातार अभी राजभवन के सामने लूट हुई थी, सरेआम लूट हुई थी, मुख्यमंत्री की कुछ दूरी पे उनका आवास है वहाँ पे लूट हुई, विधानसभा के सामने की बात थी, अभी आलमबाग में इतनी बड़ी लूट हुई है ज्वेलर्स के साथ, लेकिन पुलिस खाली हाथ है, तो पुलिस क्यों नहीं उस पर सख्ती कर रही है? पुलिस ऐसे कैसे करे, जब ऊपर से कोई आदेश मिलेगा तभी करेगा ना, पुलिस तो मुलजिम है, पुलिस तो भाई खुद अपना दबाव में है, राजनीतिक दबाव है, पॉलिटिकल प्रेशर है उसके ऊपर, पुलिस से कुछ करने नहीं दिया जा रहा पुलिस को, और पुलिस का जो सर जो डीजीपी है या ऊपर का जो क्रीम फोर्सेस है वो काम नहीं कर रही है, वो केवल चापलूसी कर रही है योगी सरकार की, योगी सरकार कुछ नहीं करने देना चाहती। सरकार की कौन कौन चापलूसी कर रहा है भाई? कौन अधिकारी है जो चापलूसी कर रहा है? बीजेपी कर रहा है, सीधे सीधे बात है भाई। पुलिस जब चोर इंक्लूड होता है, चोर चोरी करने जाता है, पुलिस खुद ही चोरी करते पकड़ी जाती है, तो उसमें कौन इंक्लूड होगा? पुलिस भी चोरी करते पकड़ी गई है भाई, जो चोर को, जो पुलिस चोर को पकड़ती थी, आज वो पुलिस खुद चोरी करते नजर आ रही है, चोरी करते हुए पुलिस पकड़ी जा रही है। और योगी सरकार तमाम सारी स्कीमें जो ऐसे लॉन्च की है जो जनता के फेवरेबल नहीं है, फिर भी इन्वेस्टमेंट समिट में इतना नुकसान किया इन लोगों ने, इतना नुकसान किया है देश का इन्होंने, प्रदेश का इन्होंने, कि जो भाई हमारा जो बिजनेसमैन है 10,000 करोड़ इन्वेस्ट करेगा, उसकी जरूरत है, करेगा। क्या हुआ बदलाव? नहीं नहीं, बदलाव नहीं हुआ, नहीं हुआ है, बदलाव की जरूरत है। आजकल बेटियां जो सड़क से निकलती है, सुरक्षित है? नहीं, बदलाव की, बचाओ बेटी पढ़ाओ का बड़ा नारा दिया गया था भाई, बदलाव की जरूरत है, बदलाव की जरूरत है। हाँ, यूपी में तो
बिल्कुल देश बदलाव चाहता है, लड़कियां बिल्कुल नहीं सुरक्षित। आप लगातार देख रही हैं जब कहीं पे रेप की, प्रयागराज में इतना बड़ा कांड हुआ, निर्भय जी जी बड़ा कांड हुआ है, बिल्कुल हुआ है और लगातार हो रहा है, डेली हर सेकंड लड़कियों का रेप हो रहा है। सिर्फ इनके नारे हैं, जुमले हैं, ये लगातार जुमले दे रहे हैं। व्यापारियों के साथ दिन दिहाड़े ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, राज्यपाल के आवास के सामने, मुख्यमंत्री के आवास के सामने होता है, उनको 6-6 दिन पता नहीं चलता कि हमारे आवास के सामने हत्या हुई है, तो गाँव में क्या हाल होगा? रूरल एरिया में जाइए आप, अर्बन एरिया में ये हाल है, अर्बन एरिया में, और किसान कितना परेशान है, लोग कितना परेशान है, आप लोग ज्यादा देख रहे हैं, आवाम देख रही है, बदलाव की जरूरत है। ये गठबंधन इतिहास बदलाव आएगा और इतिहास पे लिखा जाएगा। तो जिस तरह से बात करी जाती है, सत्ता आ जाती है, सत्ता चली जाती है, लेकिन उसके बाद भी कानून व्यवस्था के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, कानून व्यवस्था है कि सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। आज हम लोग मौजूद है शर्मा चाय पे, जिस तरह से कहा जाता है कि शर्मा की चाय बड़ी मशहूर है और यहाँ पे हम लोग चाय भी पीने आते हैं, यहाँ पे काफी लोग जिस तरह से देख रहे हैं सब लोग चाय पीने आते हैं, सर भी यहाँ पे हैं। सर कानून व्यवस्था कैसी चल रही है? कानून व्यवस्था वैसे तो अपने जगह पे ठीक चल रही है, लेकिन एक आध इंसिडेंट इस तरह का हो जाए तो वो भी पर्सनली किया हुआ होता है। अगर मान लीजिए किसी दरोगा ने ये हरकत की है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये थोड़ी लगातार जो सारी पुलिस को बदनाम करना या सारी पुलिस के ऊपर दोष देना गलत है, ये तो एक आदमी की हरकत है ना, इसने प्लान करके किया है ये काम। ये तो चलिए एक ये प्लानिंग हो गई, प्लानिंग सही तो गई, जिस तरह से आलमबाग में जो ज्वेलर्स की दुकान पे हादसा हुआ, अभी कई मुद्दे ऐसे, लेकिन पुलिस खाली हाथ क्यों है? पुलिस खाली हाथ अभी पकड़ में आएंगे, देखते रहिए, रुकिए आइए थोड़ा समय। इससे पहले भी 7-8 इंसिडेंट ऐसे हुए जिनके अभी तक को नहीं खुला है। एटीएम गवर्नर हाउस के सामने जो हुआ था अभी तक नहीं, अभी नहीं खुला है। एटीएम के पे 3-3 आदमी मारे गए थे, तब भी वो भी नहीं खुला है अभी तक। इतने एटीएम में चोरी हुई थी पिछली सरकार में, वो भी नहीं खुला है अभी तक। तो ये तो समय देना चाहिए और धीरे धीरे करके सारी चीजों का खुलासा होगा। जब 3-3 साल के केस पेंडिंग पड़े हुए हैं तो ये तो 3 दिन का ही केस है। जो पुराना, जो बहुत पुराना हो गया, तो थोड़ा बहुत देना चाहिए, ऐसा थोड़ी है किसी को भी, कोई भी हो उनको समय देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी का वर्ड तो एक तो बहुत सुंदर है, सबका साथ सबका विकास। तो विकास हो रहा है जी, हो रहा है, व्यवस्था का, कानून व्यवस्था का विकास हो रहा है जी, हो रहा है। देखिए ना, लगातार एक ही उदाहरण है, कई उदाहरण है, डकैती, लूट, हत्या, ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं। तो बहुत दिनों से हो रहा है, पिछली सरकार में भी भय है और इस सरकार में भी हो रहा है। सरकार ने तो बड़े दावे किए थे ना, बड़े बड़े दावे किए थे, चीजों पे इन्होंने कंट्रोल किया है। आगे चीजें बता दीजिए जरा। अरे अपराध, अपहरण, लूट, डकैती बहुत हद तक। ये भी कहा था योगी जी ने कि माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा या यूपी छोड़ के चले जाएंगे। हाँ, बहुत से लोग माफिया तो खुलेआम घूम रहे हैं। नहीं, जो माफिया नहीं है वो घूम रहे हैं, जो माफिया नहीं है वो घूम रहे हैं। अच्छा, और माफिया सुधर गए हैं? कुछ बहुत हद तक सुधर गए। क्या लग रहा है अगली बार किसकी सरकार को लेकर? बीजेपी। बीजेपी बढ़िया 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 चल रहा है, एकदम बढ़िया। तो ये जो है तो कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था में बहुत काफी सुधार है, लेकिन धरातल पे नहीं नजर आ रहा है, यही जानने के लिए जनता के बीच में आ चुके हैं। क्या नाम है? फैज अब्बास। फैज, ये बताइए कितना खुश हैं आप कानून व्यवस्था से? लखनऊ की कानून व्यवस्था तो पिछले 3-4 महीनों में बहुत ज़्यादा जो है सही से नहीं चल रही। अभी पिछले 2-3 दिन पहले ही जो ज्वेलरी में लूट का जो हत्याकांड हुई, इससे जो है मतलब ग्राउंड लेवल पे जो काम है, सरकार जो है, सरकार को समीक्षा करनी चाहिए कि किस तरीके से काम हो। अभी कल ही जो दारोगा लोग पकड़े गए हैं 1.5 करोड़ से, चोरी कर रहे हैं भाई। हाँ, पुलिस भी चोरी करने लगी है। पुलिस चोरी कर रही है, जो मतलब वही चीज़ होगी कि चौकीदार चोर है, मतलब यहाँ पे भी जो चौकीदार है वो चोरी कर रहा है। तो इसमें जो है देखना चाहिए और सरकार को जो है ग्राउंड लेवल से जो समीक्षा करनी चाहिए, अधिकारियों को और जो हमारी पुलिस प्रशासन है उनको ये काम करना चाहिए कि आम जनमानस की सुरक्षा का सही इंतजाम हो सके। तो जिस तरह से ये बहुत बड़ा मुद्दा सामने आया है कि पुलिस खुद ही चोरी कर रही है, पुलिस तो चोर को पकड़ती है, तो ये बहुत शर्मनाक नहीं है? बहुत ज्यादा शर्मनाक है। और इससे मुख्यमंत्री जी को क्या एक्शन लेना चाहिए इस पे? हमें माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से ये हमारी गुहार है कि इस पे वो तुरंत एक्शन लें, और उम्मीद है कि वो एक्शन लेंगे। और जिस तरह से कुंभ का एक अच्छा उन्होंने काम वहाँ करा था, इसी तरह से वो यहाँ पे लखनऊ की जो कानून व्यवस्था है उसको सुधारें, और जहाँ पे गलती हो रही है उन गलतियों को तुरंत जो एक्शन लेके आम जनमानस को सुरक्षा का एहसास दिलाएं। आज अखिलेश यादव जी ने बोला कि डीजीपी को तत्काल हटाया जाए। नो कमेंट। मतलब क्या है? नहीं क्या है आपकी आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस पे? डीएम को, एसएसपी को मैनेज करना चाहिए पुलिस वाले पे, ना कि मुख्यमंत्री। कहाँ तक मुख्यमंत्री मेरा? डीजीपी को अखिलेश यादव जी ने कहा है, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने कहा है कि जो ओपी सिंह जी डीजीपी हैं उनको हटा देना चाहिए, आज बोला है।
भाई ये तो ऊपर की लेवल की बात है, ये मैं नहीं बोल सकता, बीजेपी को हटा दें उनको हटा दें, लेकिन ये जो लूट भाई है पुलिस वालों की वर्दी पे, ये डीएम और एसएसपी का काम है कि उसको देखें। ये जो मामला है बहुत वैसा है, क्या क्या नाम है आप लोगों का? शफाक। कैसी चल रही कानून व्यवस्था? एक्चुअली हमें इन सब इंटरेस्ट नहीं है, पॉलिटिक्स में तो मैं बात ही नहीं कर रही, मैं तो क्राइम और ग्राउंड लेवल की बात कर रही। स्टूडेंट्स हैं आप, आए दिन ऐसे हादसे होते रहते हैं, क्योंकि गर्ल्स भी होती हैं, बॉयज भी होते हैं, तो कभी कभी पुलिस का सामना करना पड़ जाता है। कानून व्यवस्था कैसी चल रही है? सुधार है? डर खत्म हुआ है? कुछ नहीं है। अच्छा, डर भी नहीं है? मतलब इनको डर भी नहीं है और कानून के बारे में पता ही नहीं है कि कानून भी होता है। क्राइम तो बहुत हो गया। कानून का मायने बता दीजिए। कानून का मायने उनका काम है रोकना। कानून से क्या होता है? कानून से न्याय मिलता है कि अन्याय मिलता है? न्याय मिलना चाहिए लेकिन मिल नहीं रहा। कहाँ मिल नहीं रहा है? तो मतलब आप मानते हैं कि कानून से न्याय मिलता है पर मिल नहीं रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं जो कानून व्यवस्था है वो डगमगा रही है कहीं। ये तो हम भी यही बोल रहे हैं, हम यही बोल रहे हैं। चुनाव करीब आ गया है, चुनाव में तो सरकारें बदल जाती हैं, सरकारें बड़े बड़े दावा करती हैं, सरकार आके चली जाती है, फिर भी कानून व्यवस्था में सुधार नहीं होता है। आप देख रहे थे इंडिया वॉच का खास शो, मैं आपके साथ सोनी कपूर, फिर नए मुद्दे के साथ आपसे जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए इंडिया वॉच।